डियर स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इनवर्टिंग, नॉन इनवर्टिंग एंड यूनिटी गेन एम्पलीफायर के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने ओपेम के बारे में पढ़ा था, ओपेम की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ा था, ओपेम्स के डिफाइन किया था, ओपेम के इनवर्टिंग एंड नॉन इनवर्टिंग टर्मिनल पर अगर इनपुट देंगे तो कैसे आएगा, ये सारी चीज़ें डिटेल में हमने प्रीवियस वीडियोज में पढ़ी थी। एंड इन टूडे क्लास वी आर गोइंग टू completely explain and express find out the expression of inverting, non-inverting and unity gain amplifier. So these are type of op amp and of course it is the syllabus of emerging domain in electronics engineering jo ki first year AKTU ka syllabus hai. My name is Hari Mohan Rai and just we are going to start the today topics. So let us begin with, so first of all we'll start with the inverting amplifier. Inverting एम्पलीफायर। सो एक और चीज मैं इसको बताने से पहले आप लोगों को बताना चाहूंगा कि अभी जो भी मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं वो इस तरीके से है कि मैं स्टेप्स बताऊंगा कि आपको यूनिवर्सिटीज एग्जामिनेशन में अगर आता है इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के बारे में लिखने के लिए, तो आपको कैसे लिखना है, क्या क्या लिखना है और एटमोस्ट कितना लिखना है और क्या चीजें समझनी है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, बिकॉज ऑलमोस्ट ढेर सारे वीडियोस और सब कुछ अवेलेबल है आपके इंटरनेट्स पे या यूट्यूब पे, हर जगह जहाँ पे कि आप, या बुक्स में भी अवेलेबल है कि आपको इजीली पढ़ सकते हैं इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के बारे में। बट अभी हम लोग देखेंगे कि स्टेप्स क्या फॉलो करने हैं, क्या क्या चीजें हमें लिखना है एग्जाम्स में अगर ये आता है तो, और हमें इसके एक्सप्रेशन कैसे निकालते हैं। तो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट। हमें इसमें तीन स्टेप फॉलो करेंगे। सबसे पहले इसको डिफाइन करेंगे, यानी कि डिफिनिशन। Definitions, it should be in your own word. आपको कोई जरूर नहीं है कि बिल्कुल रटा रटा आया जो मैं लिख रहा हूँ वही होना चाहिए। इट कैन बी इन ओन वर्ड्स, बट हाँ इसका मतलब समझ में आना चाहिए कि वट इज इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। तो इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का मतलब है, मैं आप पहले बता दूं, इसके बाद लिखा दे रहा हूँ या लिखाने के बाद बता दूंगा, कि जब हम इनपुट इन्वर्टिंग टर्मिनल पे प्रोवाइड करते हैं, यानी कि दो टर्मिनल होता है इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल, तो अब अगर हम इनपुट इन्वर्टिंग टर्मिनल पे प्रोवाइड करते हैं तो जो हमारा आउटपुट होता है वो इन्वर्टेड फॉर्म में होता है, ओके, इन्वर्टेड फॉर्म में होता है, और एम्पलीफाइड वर्जन में उसको हम लोग बोलते हैं इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। यानी कि द ऑपएम, इसको डिफाइन कर देते हैं, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, सिंपल वर्ड में इन्वर्टिंग एम्पलीफायर इज एन ऑपएम सर्किट operational amplifier circuit which provides, simple word mein, which provides inverted, yahan pe pehle likh dete hain amplified kyunki amplifier hai, to amplified and inverted output, inverted output, इन्वर्टेड आउटपुट का मतलब 180 डिग्री आउट ऑफ फेज, आउट ऑफ फेज विद द इनपुट, ओके, सिंपल। इन्वर्टिंग एम्पलीफायर इज एन ऑपएम्प सर्किट विच प्रोवाइड्स एम्पलीफाइड एंड इन्वर्टेड आउटपुट दैट इज 180 डिग्री आउट ऑफ फेज विद द इनपुट। इनपुट के साथ जब हमारा 180 डिग्री आउट ऑफ फेज हम आउटपुट निकालते हैं तो वो इन्वर्टिंग एम्पलीफायर कहलाता है और एक ऑपरेशन एम्पलीफायर सर्किट है। इसके बाद हम सर्किट डायग्राम और उसको हम ये करेंगे, यानी कि सेकंड स्टेप में, पहला स्टेप हम ये फॉलो कर सकते हैं फर्स्ट स्टेप, एंड व्हाट अबाउट द सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप में आप यूज करोगे सर्किट डायग्राम को, यानी कि सर्किट डायग्राम हम बनाएंगे एंड उसको, उसके बारे में एक दो लाइन लिखेंगे, सर्किट डायग्राम इन ब्रीफ में आप उसको ब्रीफ आउट करोगे ताकि एग्जामिनर को ये लगे। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इट आउट, तो सर्किट डायग्राम हमने बनाया, दिस इज योर सर्किट डायग्राम। इसका जो कंस्ट्रक्शन होगा वो बड़ा सिंपल कंस्ट्रक्शन होगा, ये सब में ये कॉमन रखना है, एक जो इन्वर्टिंग टर्मिनल पे, इन्वर्टिंग टर्मिनल जो हो वो फीडबैक के साथ आउटपुट में दिया रहेगा। ये नाम क्योंकि इन्वर्टेड से है इसका नाम हमारा ये आर एफ हो जाता है, और ये इनपुट साइड से है, यानी कि आर वन या आर आर आई लिखते हैं इसमें, इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप क्या चाहते हो। तो एक रेजिस्टेंस है तो आर वन, दो होगा तो आर वन आर टू, तो इस तरीके से हम इसको जनरली हम आर वन डाल देते हैं इनपुट साइड में है। और क्योंकि ये इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है तो इनपुट हम देंगे इन्वर्टिंग टर्मिनल पे। द मेथड ऑफ गिविंग दिस इनपुट कैन बी वेरी, यानी कि इस तरीके से लिखें, कहीं कहीं पे आपको इस तरीके से मिलेगा और इसको ऐसे ग्राउंड या वी वन, तो इट मे बी दिस वन, दोनों का मतलब एक ही है, बट इनपुट हम दे रहे हैं वी वन, यानी कि
इन्वर्टिंग टर्मिनल पे सिर्फ एक ही इनपुट दे रहे हैं, दूसरा टर्मिनल ग्राउंडेड है, ये होता है सर्किट, अब सर्किट डायग्राम। तो इसी सर्किट डायग्राम के बारे में हम एक से दो लाइन में इसको लिखेंगे, यानी कि इन द सर्किट द इनपुट इज इन दिस केस व्हाट वी आर डूइंग, सिंपल वर्ड में आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यहां पे हमें क्या करना है, द इनपुट इज प्रोवाइडेड टू द नॉन इनवर्टिंग टर्मिनल, टू द नॉन इनवर्टिंग टर्मिनल एंड टर्मिनल यहां पे डाले टर्मिनल एंड इनवर्टिंग टर्मिनल इज जस्ट अ सेकेंड ओके। सो सर्किट डायग्राम के बारे में हम दो तीन लाइन में थोड़ा ब्रीफ में डिस्क्राइब करेंगे। सो यहां पे क्या है, जस्ट जो यहां पे सर्किट में दिख रहा है वही लिखना है हमें, यानी कि द इनपुट इनपुट वी वन यहां पे इज प्रोवाइडेड टू टू द इनवर्टिंग टर्मिनल ओके, इनवर्टिंग टर्मिनल एंड नॉन इनवर्टिंग टर्मिनल क्या है, एंड नॉन इनवर्टिंग टर्मिनल इज ग्राउंडेड, नॉन इनवर्टिंग टर्मिनल इज ग्राउंडेड। क्लियर है, एक पहला लाइन इज ग्राउंडेड क्योंकि एक ही पे हमें इनपुट देना है, एंड द सेकेंड लाइन में द रेसिस्टेंस आर वन एंड आर एफ जो कि फीडबैक रेजिस्टेंस है, द रेजिस्टेंस आर वन एंड आर एफ आर कनेक्टेड टू द कनेक्टेड विथ द लिख सकते हैं विथ द इनवर्टिंग टर्मिनल्स। As shown in the circuit, जैसा कि सर्किट में shown in the circuit है, ठीक है, बस दो दो लाइन में ब्रीफ आउट हमें करना है इसके बारे में, और इसके बाद थर्ड स्टेप जो हम लोग फॉलो करेंगे वो इसका एक्सप्रेशन, पहले डिफिनेशन सर्किट डायग्राम एंड थर्ड स्टेप्स में एक्सप्रेशन फॉर द आउटपुट। नाउ एक्सप्रेशन फॉर द आउटपुट, अब एक्सप्रेशन आउटपुट में हम एक्चुअली यहां पे सर्किट में दोबारा बना दे रहा हूं क्योंकि यहां पे आप इजीली विजिबल होगा। तो सर्किट डायग्राम में हमने क्या था, माइनस प्लस, माइनस टर्मिनल पे हमने एक सर्किट कनेक्ट किया, यहां से हमने इनपुट दिया था, इसको मान लिया V1, इसको मान लिया R1, और यहां से एक फीडबैक रेजिस्टेंस है RF जो कि आउटपुट के साथ कनेक्टेड है, RF ये R1 एंड देन प्लस टर्मिनल इज ग्राउंडेड। अब यहां पे हमें कुछ दो तीन assumptions हमें स्टार्ट करने हैं, मानने हैं, वो क्योंकि ये V1 R1 है तो assume that करंट I1 फ्लो रही है, इसमें करंट IF फ्लो रही है, और इस टर्मिनल को यहाँ पे इसको हमने नाम A दे दिया और इसका नाम हमने मान लो B दे दिया। Now, अगर स्टार्टिंग में जब हमने प्रीवियस लेक्चर में बात किया था तो इस यूनिट के जितने भी एक्सप्रेशंस हैं, जितने भी आप लोगों को इस तरीके से सॉल्व करना है, उसमें दो चीजें बिल्कुल आपको दिमाग में बैठा के चलनी है। पहला, फर्स्ट, सिंपल वर्ड में जो भी वोल्टेज टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल यानी कि नॉन इनवर्टिंग टर्मिनल पे होगा, वही वोल्टेज इनवर्टिंग टर्मिनल पे यानी कि जो वोल्टेज बी टर्मिनल पे होगा वही टर्मिनल ए टर्मिनल पे होगा, या सिंपल वर्ड में ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वर्चुअल शॉर्ट की वजह से, वर्चुअल ग्राउंड की वजह से दोनों टर्मिनल पे वोल्टेज सेम होते हैं ओके तो बिकॉज ये वाला टर्मिनल फीडबैक के साथ कनेक्टेड है तो जनरली हम लोग क्या देखते हैं, प्लस यानी कि पॉजिटिव टर्मिनल को देखते हैं। तो पॉजिटिव टर्मिनल पे जो वोल्टेज होगा वही टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल पे होगा, ये चीजें आपको बिल्कुल ये होनी चाहिए। सारे जितने भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे या कुछ भी डेरिवेशन करोगे उसमें ये पहला कॉन्सेप्ट बिल्कुल अप्लाई करना है, ठीक है, यानी कि वी बी वी ए और वी बी पे वोल्टेज क्या होंगे, वो बराबर होंगे, इन इस केस में जीरो होंगे। सेकेंड, दूसरा कॉन्सेप्ट क्या लेके चलना है, इन साइड द ऑप एम्प कोई करेंट फ्लो नहीं होती, यानी कि इसके अंदर में, इसके इनसाइड में करंट जो है वो जीरो फ्लो होती है, कोई करंट फ्लो नहीं होती है, यानी कि इनसाइड द ऑप एम्प, इनसाइड ऑप एम्प
जीरो करंट फ्लो होती है, नो करंट फ्लो इनसाइड ऑप एम्प, आई इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये बस दो कॉन्सेप्ट से पूरी यूनिट, पूरे जितने भी टॉपिक होंगे, इनवर्टिंग नॉन इनवर्टिंग एडर समर वट एवर वी आर, कोई भी डेरिवेशन या कोई भी न्यूमेरिकल, हम इन दो कॉन्सेप्ट को हमेशा यूज करेंगे और इसके थ्रू हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला कॉन्सेप्ट हमेशा अप्लाई करेंगे फ्रॉम द वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट। वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट क्या हुआ? वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट से कि टर्मिनल बी, यानी कि बी पे क्या टर्मिनल है, वोल्टेज एट बी इज इक्वल टू वोल्टेज एट ए इज इक्वल टू जीरो। क्यों? क्योंकि बी जो है वो ग्राउंडेड है, इसका मतलब है कि ए भी यहां पे ग्राउंडेड होगा। ओके, सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, जस्ट ए जो टर्मिनल है यानी कि पहला टर्मिनल, उस पे हम केसीएल अप्लाई कर दे रहे हैं, यानी कि अप्लाई, आप चाहे तो केवीएल के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं, बट मुझे ये ज्यादा सिंपल लगता है, अप्लाई केसीएल एट नोड ए। तो अब नोड ए पे अगर हम केसीएल अप्लाई करते हैं तो क्या होगा, इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। तो मैं देख पा रहा हूं कि इनकमिंग करंट आई वन है और आउटगोइंग करंट आई एफ है, क्योंकि यहाँ पे इनसाइड यहाँ पे कोई करंट फ्लो नहीं हो रही है, तो ये I1 is equal to IF, इक्वेशन नंबर 2। नाउ अब I1 को हम लोग वोल्टेज के टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, I is equal to V by R। सो अब देख सकते हैं कि I1 जो है वो V1 से VA दोनों, इन दोनों के बीच में फ्लो हो रही है, तो I can write it out V1 minus VA divided by R1। अगर एक वोल्टेज होता तो V by R1, और दो वोल्टेज के बीच में, दो पॉइंट के बीच में फ्लो रही है, तो इस पॉइंट पे जो वोल्टेज है और इस पॉइंट पे वोल्टेज है वो V1 minus VA divided by R1। Now, my question might be ये हो सकता है कि हायर पोटेंशियल क्या होगा, लोअर पोटेंशियल क्या होगा, ये यहाँ पे हमें ऐसा कुछ ध्यान देने की जरूरत नहीं है, जस्ट वी फॉलो द वन डायरेक्शन, यानी कि अगर हम करंट आउटगोइंग ले रहे हैं यानी कि वी वन से वी ए की तरफ, तो यहाँ भी वी ए से वी नॉट की तरफ होगा, और आपने गलती से अपोजिट मान लिया तो दोनों को हमें अपोजिट मानना है। ठीक है, तो वी वन माइनस वी ए डिवाइड बाय आर वन, और आई एफ के लिए क्या हो जाएगा, वी ए से वी नॉट के बीच में, यानी कि वी ए माइनस वी नॉट डिवाइड बाय आर एफ, इसको इक्वेशन नंबर 3 मानते हैं। अब देखिए इक्वेशन 1 की वैल्यू अगर इक्वेशन 3 में पुट कर देते हैं, तो पुट या सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ वी ए From equation 1, 2, 3, equation 3, we get क्या मिलेगा हमें, we get यहां पर देखिए VA जीरो हो गया, तो V1 divided by R1 is equal to minus V0 divided by RF, clear? That means that हमें find out क्या करनी है, V0 की value, तो यहां पर V0 क्या हो जाएगा, cross multiply कर देते हैं, तो यहां पर V0 is equal to माइनस आर एफ डिवाइड बाई आर वन और इन टू वी वन इनपुट, दिस इज योर कंप्लीट एक्सप्रेशन फॉर आउटपुट। हाँ, अगर कभी आपसे गेन पूछ दिया जाए तो गेन इज इक्वल टू क्या होता है, गेन को हम रिप्रेजेंट करते हैं ए से, और ये क्या होता है, आउटपुट बाई इनपुट, यानी कि वी आउटपुट, इनपुट क्या है वी वन, तो क्या बन जाएगा माइनस आर एफ डिवाइड बाई आर। ओके, हाँ सॉरी, sometimes you may also show it out like this in terms of graph or you can say waveforms. So ye aapka ho gaya gain ka, ye gain ho gaya, this is gain or this is your output voltage. Yahan pe ek aur cheez dikha sakte hain ki yahan pe kabhi kabhar aap chahe to better iske liye इनपुट में वेवफॉर्म आप दिखा सकते हैं, ये हमारा V इनपुट वेवफॉर्म है, और यहाँ पे जो आउटपुट आएगा वो इन्वर्टेड फॉर्म में, यानी कि जस्ट अ मिनट, इन्वर्टेड का मतलब अपोजिट, आउट ऑफ फेज करना है हमें, तो आउट ऑफ फेज में एम्पलीफाइड वर्जन में, इन एम्पलीफाइड वर्जन तो डिपेंड करेगा कि कितना एम्पलीफाइड हो रहा है, बट एम्पलीफाइड नहीं भी दिखाते हो तो आपको क्या दिखाना होगा, इन्वर्टेड फॉर्म यहाँ पे दिखाना, यानी कि इन्वर्टेड का मतलब अपोजिट में, इस तरीके से। ठीक है, दिस इज योर आउटपुट। ओके, सो ये कंप्लीट, अगर ये तीनों स्टेप फॉलो करते हैं, यानी कि डेफिनेशन, सर्किट डायग्राम, आउटपुट एक्सप्रेशन, तो आपके मार्क्स डिडक्ट होने के कोई भी चांसेस नहीं है। ओके, तो अगर हमने एक तरीके से इन्वर्टिंग देख लिया, तो सिमिलर वे में हम क्या देख सकते हैं, नॉन इन्वर्टिंग को भी, तो नॉन इन्वर्टिंग का भी यहीं पे ये कर लेते हैं। नॉन इन्वर्टिंग और इन्वर्टिंग में डिफरेंस क्या होगा, कि जो इनपुट हमने प्रोवाइड, सर्किट डायग्राम एज इट इज होगा, नो चेंजेस इन द सर्किट डायग्राम, सर्किट डायग्राम में यानी कि जहां पे आर वन था, फीडबैक था, वो एज इट इज रहेंगे, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर।
अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जस्ट जो इनपुट हमने इन्वर्टिंग में प्रोवाइड किया था वो इनपुट हम क्या करेंगे नॉन इन्वर्टिंग वाले में प्रोवाइड कर देंगे। ओके, स्टेप सेम वही फॉलो करना है, सर्किट डायग्राम से लेके जितना सारा कुछ होगा। तो लेट अस स्टार्ट हियर। सबसे पहले डिफिनीशन। सो इन डिफिनीशन अगर इसको डिफाइन करेंगे क्या कि इनपुट हम दे रहे हैं, यानी कि द नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, द नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर इज क्या है, ये नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर इज एन ऑपेम सर्किट, ऑपेम ऑपरेशन एम्पलीफायर सर्किट विच प्रोवाइड्स, क्या प्रोवाइड करता है ये, विच प्रोवाइड्स एम्पलीफाइड एम्पलीफाइड आउटपुट इन सेम फेज विदाउट इन्वर्ट हुए, विद सेम फेज विद द इनपुट, विद द इन सेम फेज विद द इनपुट, यानी कि कोई इन्वर्जन नहीं होता है इन विद द इनपुट वोल्टेज। यहाँ पे इनपुट वोल्टेज या इनपुट लिख सकते हैं, यानी कि सिंपल वर्ड में इनपुट में जो भी हम देंगे वो सिमिलर आउटपुट आएगा बट इनवर्ट एम्पलीफाई होके आएगा, यानी कि एम्पलीफाइड वर्जन, अगर हम डिपेंडिंग अपॉन द रेसिस्टेंस आप क्या अप्लाई करते हैं। इसके बाद हम सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, सर्किट डायग्राम के बारे में डिस्कस करेंगे। सर्किट डायग्राम, तो इसमें जो हमने इन्वर्टिंग का बनाया था सर्किट डायग्राम एज इट इज वैसे ही होगा, बट अंतर क्या होगा, जो इनपुट हमें देना है वो किस पे देना है, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे। लेट अस सी, दिस इज माइनस प्लस, इन्वर्टेड टर्मिनल को हमें क्या करना है, ग्राउंड कर देना है, और नॉन इन्वर्टिंग जो टर्मिनल होगा वो उस पर हम इनपुट दे रहे हैं। ये मान लीजिए कि आपने वी वन इनपुट दिया, सो एज इट इज स्टॉप। यहाँ पे क्या किया हमने, ये इसका नाम आपने आर वन रखा, इसका नाम आपने आर एफ रखा। तो लेट अस इसके बारे में ब्रीफ में हम दो पॉइंट में इसमें भी इसमें नोट डाउन करेंगे। फर्स्ट क्या है, अगेन सेम वे में, द इनपुट इज प्रोवाइडेड टू द इनपुट, यहाँ पे दे रहा हूँ वी वन इज प्रोवाइडेड टू द किस टर्मिनल पे, टू द नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल, एंड इन्वर्टिंग टर्मिनल इज ग्राउंडेड, इन्वर्टिंग जो इन्वर्टिंग टर्मिनल है इज ग्राउंडेड, सिंपल। और यहां भी जो मेरे रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, रेसिस्टेंसेज जो कनेक्टेड है, रेसिस्टेंसेज आर वन एंड आर एफ आर कनेक्टेड विथ द इनपुट इन्वर्टिंग टर्मिनल कह सकते हो, इन्वर्टिंग टर्मिनल एज शोन इन द सर्किट, एज शोन इन द सर्किट डायग्राम। बस यही दो लाइन में आराम से हमने अपने वर्ड में, कोई जरूरत नहीं है एज इट इज लिखना है, आप अपने वर्ड में सर्किट के बारे में दो पॉइंट में डिस्क्राइब कर देना है। अब आते हैं हम इसका एक्सप्रेशन की तरफ, एक्सप्रेशन सिमिलर तरीके से, एक्सप्रेशन फॉर द आउटपुट, यानी कि आउटपुट वोल्टेज का हम एक्सप्रेशन यहाँ पर लिखना, हमें डिराइव करना है, निकालना है। तो हम लेट्स अस चेक करते हैं दोबारा से, यहाँ पे मैं सर्किट डायग्राम को ड्रॉ कर ले रहा हूँ। माइनस प्लस, यहाँ पे क्या था, माइनस जो टर्मिनल था यानी कि इन्वर्टिंग टर्मिनल ग्राउंडेड, प्लस जो टर्मिनल है उस पे हम इनपुट वोल्टेज पे, यहाँ पे वी आउटपुट, ये हो गया आर एफ, यहाँ पे आर वन, और प्लस इज नथिंग बट इनपुट यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं वी वन। नाउ अगेन सिमिलर तरीके से जो अब स्टेप्स हमने आपको याद दिलाया था, जैसे ही कि पहले हम सबसे पहले क्या करेंगे, अच्छा करंट का डायरेक्शन जो है वो कुछ भी ले सकते हैं, दोनों आउटगोइंग या दोनों इनकमिंग। तो मैं लो क्योंकि यहाँ पे ग्राउंडेड यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे ऐसे मान लेता हूँ, यू कैन टेक इन दिस वर्ड आल्सो, यहाँ पे हमने आई वन और इसको हमने मान लिया आई एफ। करंट का डायरेक्शन दोनों सेम डायरेक्शन रखना है, ये बात ध्यान रखनी है, ओके, बिकॉज जितना इनकमिंग होगा उतना आउटगोइंग होगा, इट मे बी इनवर्ड एंड आउटवर्ड बट। और यहाँ पे फिर क्या हो गया, टर्मिनल ए जिसको मान लिया हमने टर्मिनल बी, और अगेन यहाँ पे जो करंट का फ्लो जो आई इज इक्वल टू जीरो, जो कि हम बताते हैं दो स्टेप फॉलो करना है, पहला वर्चुअल ग्राउंड या वर्चुअल शॉर्ट कॉन्सेप्ट, सेकंड इनसाइड द ओपन कोई करंट फ्लो नहीं होती है। तो पहला स्टेप हमें क्या करते हैं, फ्रॉम द
वर्चुअल शॉट कॉन्सेप्ट, मतलब वर्चुअल शॉट क्यों, वर्चुअल शॉट क्यों कॉन्सेप्ट क्यों, क्योंकि ये प्लस टर्मिनल ग्राउंडेड नहीं है, हमें किस पे टर्मिनल वोल्टेज देखना है, प्लस वाले पे। तो फ्रॉम वर्चुअल शॉट कॉन्सेप्ट V1 VA इज इक्वल टू VB, यानी कि जितना वोल्टेज VB पे है उतना वोल्टेज VA पे है, और कितने के बराबर है, V1 के बराबर है, इक्वेशन नंबर 1। सेकंड क्या करते हैं हम लोग, KCL अप्लाई करते हैं, यानी कि अप्लाई KCL एट नोड A, नोड A पे हम KCL लगा के देखते हैं क्या होगा, इनकमिंग इसका टू आउटगोइंग, यानी कि IF इज इक्वल टू I1, इक्वेशन नंबर 2। और IF कहां से कहां के बीच फ्लो हो रही है, V नॉट से VA के बीच में, यानी कि V नॉट माइनस VA डिवाइड बाई RF। और I1 कहां से, A से लेके और ग्राउंड तक, यानी कि VA माइनस ग्राउंड को 0 डिवाइड बाई R1। अब इस इक्वेशन नंबर 3 में सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ, पुट VA इज इक्वल टू V1 फ्रॉम इक्वेशन 1 इन इक्वेशन नंबर 3 वी गेट, हमें क्या मिलेगा, लेट अस सी हियर। सो अगर हमने पुट किया वी नॉट माइनस V1 डिवाइड बाई RF इज इक्वल टू, ये क्या हो गया, V1 डिवाइड बाई R1, ये हो गया यहाँ पे 0। नाउ अब हमें ये क्या करना है, किसकी वैल्यू निकालनी है, वी नॉट की वैल्यू। तो हम इसको ऐसे करें, वी नॉट माइनस V1 और RF को साथ यहां मल्टीप्लाई कर दें, V1 डिवाइड बाई R1 इंटू, ये RF इधर आ जाएगा, इंटू RF। नाउ वी नीड टू फाइंड आउट V0, सो V0 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, V1 इधर चला जाएगा, सो V1 डिवाइड बाई R1 यानी कि RF बाई R1 प्लस V1। अब क्योंकि दोनों में V1 कॉमन है तो हम V1 कॉमन ले सकते हैं, सो V1 अगर हमने कॉमन ले लिया तो हो गया RF by R1 plus 1, that this is the output, यानी कि V output is equal to, अगर थोड़ा simplify version लिखें तो 1 plus RF by R1 into V1, this is your expression of output for the non-inverting amplifier। और अगर मैं gain पूछूं इसका, तो gain is equal to क्या होता है, A is equal to V0 by V1 is equal to V1 किधर लेके चला है, तो सिर्फ बचेगा 1 plus RF by R1। ओके, स्पेस को थोड़ा हमें यहाँ मैं रखने की कोशिश करता हूँ, इट इज ओके, सो 1 प्लस RF डिवाइड बाई R1, सो दिस इज अ गेन। हाँ अगर आप चाहें तो फिर यहाँ पे भी दोनों साइड में वेवफॉर्म दिखा सकते हैं, इनपुट का जो वेवफॉर्म है V इनपुट, आउटपुट में सेम डायरेक्शन में होगा, थोड़ा सा एम्पलीफाइड आप चाहें तो दिखा सकते हैं उसको इस तरीके से। तो दिस इज द कंप्लीट एक्सप्रेशन ऑफ नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। तो इन्वर्टिंग हमने देख लिया, नॉन इन्वर्टिंग देख लिया, और आज की क्लास में एक थर्ड ऑप्शन और देखेंगे, और उसको हम देखेंगे यूनिटी गेन एम्पलीफायर। यूनिटी गेन, इसका 3 नाम है, यूनिटी गेन, इसको यूनिटी गेन भी बोलते हैं, या बफर भी बोलते हैं, या वोल्टेज फॉलोवर भी बोलते हैं, यानी कि 3 नाम है इसका, वोल्टेज फॉलोवर। ओके, सो या तो यूनिटी गेन या बफर और वोल्टेज फॉलोवर, जैसे तो 3 नामों से इसको जाना जाता है। तो नाम से पता चल रहा है कि यूनिटी गेन का मतलब क्या हुआ, यूनिटी गेन का मतलब जिसका कि गेन यूनिटी हो। तो चलो सबसे पहले हम इसको डिफाइन कर लें, और इसके बाद फिर वही स्टेप फॉलो करते हैं 2-3 स्टेप में। जनरली ये कभी लॉन्ग मार्क्स में नहीं पूछा जाता, लेकिन फिर भी हम इसको एक बार डिफाइन कर लेते हैं जिस तरीके से हमने बाकी सारे स्टेप्स को फॉलो किया था। डिफिनेशन, तो अपने वर्ड्स में डिफाइन करते हैं इसको, एंड डिफिनेशन में हम ये लिखते हैं, द यूनिटी गेन या जो भी बफर एम्पलीफायर, यूनिटी गेन इज एन ऑपएम्प सर्किट, ऑपरेशनल एम्पलीफायर सर्किट, क्या करता है, विच प्रोवाइड सेम आउटपुट वोल्टेज एज द इनपुट वोल्टेज। दैट मींस इन यूनिटी गेन, मतलब एम्पलीफायर, ऑपएम्प एम्पलीफायर जिसका कि गेन यूनिटी हो, या और यू कैन से और हुज गेन इज यूनिटी।
तो इन दोनों में से सिंपल डेफिनेशन सर्किट में। अब इसके बाद इसका सर्किट देखते हैं, इसका सर्किट कैसे बनाया जाता है या इसको हम जनरली ये कैसे करते हैं। तो सर्किट डायग्राम देख लें हम यहाँ पे, सर्किट डायग्राम। अब इस सर्किट डायग्राम में इसका जो सर्किट डायग्राम होता है, क्योंकि ये यूनिटी गेन आउटपुट इज इक्वल टू इनपुट है, तो नॉन इनवर्टिंग टर्मिनल पे इनपुट दिया जाएगा कुछ इस तरीके से। लेट अस सी, ये माइनस प्लस, तो प्लस टर्मिनल पे जो है हमने क्या किया, यहाँ पे इनपुट दे दिया, इनपुट मान लिया इसको, और ये माइनस टर्मिनल जो है वो क्या है, शॉर्टेड है आउटपुट के साथ, बी आउटपुट। गॉट इट? तो अब यहाँ पे यही एक लाइन में इसको डिफाइन करेंगे, द इनपुट इज, सिंपल वर्ड में इनपुट इज प्रोवाइडेड टू द या गिवन टू द नॉन इनवर्टिंग टर्मिनल, नॉन इनवर्टिंग टर्मिनल एंड इनवर्टिंग टर्मिनल इज शॉर्टेड, है ना, टर्मिनल इज शॉर्टेड विथ आउटपुट, ठीक है, एज शोन इन द फिगर। यहां पे कोई सर्किट डायग्राम नहीं है, एज शोन इन द सर्किट डायग्राम। इसमें कोई खास डेरिवेशन नहीं है, बट हाँ जनरली ये किसी न्यूमेरिकल के साथ एडेड होके आता है, इसलिए इसको हमने देखना जरूरी है। लॉन्ग क्वेश्चन पहले बता चुका हूँ, लॉन्ग क्वेश्चन में जनरली ये नहीं आता, बट फिर भी हम इसको जान लेते हैं कि क्या होता है। तो इसका भी एक्सप्रेशन देख ले हम, एक्सप्रेशन ये इसका बहुत शॉर्ट एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन फॉर आउटपुट यानी कि वी नॉट। सो दोबारा मैं ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पे सर्किट डायग्राम को, माइनस प्लस, प्लस पे आपने यहाँ पे इनपुट दे रखा है, माइनस इज नथिंग बट शॉर्टेड है आउटपुट के साथ यहाँ पे, एंड द नेम गिवन इज, दोनों का हम यहाँ पे फिर से ये कर देते हैं ए, और इसको कर देते हैं बी। ओके, तो यहां भी हम पहला कॉन्सेप्ट अप्लाई कर दें, फ्रॉम वर्चुअल शॉर्ट कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, कॉन्सेप्ट से वर्चुअल शॉर्ट कॉन्सेप्ट से वी ए, जो पोटेंशियल ए टर्मिनल पे है वही पोटेंशियल बी टर्मिनल पे होगा, जो कि किसके बराबर होगा, इनपुट के बराबर, वी इन के बराबर। एंड द सेकेंड स्टेप में जो वोल्टेज बी पे है वही वोल्टेज वी नॉट पे, यानी कि द वोल्टेज एट बी इज इक्वल टू वोल्टेज एट वी आउटपुट फ्रॉम कहां से, ये हो गया शॉर्टेड से, यानी कि बिकॉज दोनों शॉर्टेड है। ओके, इक्वेशन नंबर इसको टू मान। अब फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू को देखिए हम, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे वी इन, ठीक है, इज इक्वल, इसकी जगह पे वी बी की जगह पे क्या पुट कर सकते हैं, वी इन इज इक्वल टू वी आउटपुट, यही चाहिए हमें, जो इनपुट है वही आउटपुट होना चाहिए। और गेन अगर मैं इसको ऐसे कर दूं तो वी आउटपुट डिवाइड बाई वी इनपुट को हम लोग गेन कहते हैं, यानी कि ए इज इक्वल टू, और ये आ जाएगा वन के बराबर। So, बहुत कुछ अलग अलग बुक में अलग अलग तरीके से डेरिवेशन भी इसका किया गया है, इसमें 1 प्लस आर एफ बाई आर वन के तौर पे भी किया गया, जहां पे कि यहाँ पे इसको हम लोग जीरो कर देते हैं या आर एफ की वैल्यू को हम जीरो कर देते हैं तो क्या हो जाता है, सॉरी आर एफ को जीरो कर देते हैं क्योंकि यहाँ पे शॉर्टेड है, तो जीरो डिवाइड बाई आर वन ये भी जीरो आ जाता है, और ये सिर्फ वी आउटपुट इज इक्वल टू वी इनपुट आता है। बट आप कोई भी तरीका अप्लाई कर सकते हो, मुझे ये लगता है कि ये ज्यादा सिंपल और ईजी है। तो ये है आपका एक्सप्रेशन फॉर द आउटपुट। तो आज की क्लास में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, वेरी बेसिक्स में इनवर्टिंग एम्पलीफायर, नॉन इनवर्टिंग एम्पलीफायर एंड यूनिटी गेन एम्पलीफायर। और आगे आने वाली क्लासेस में हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसका एप्लीकेशन, यानी कि इनवर्टिंग, नॉन इनवर्टिंग एंड ऑप एम्प, तो इसके टाइप्स हो गए, अब यूनिटी गेन तो इसके टाइप्स हो गए, अब आगे ऑपरेशन एम्पलीफायर का एप्लीकेशन होगा, दैट इज एडर, सब्ट्रैक्टर, इंटीग्रेटर, डिफरेंशिएटर, सो वो चीज हम लोग देखेंगे आगे क्लास में। तब तक के लिए मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, एवरीवन थैंक यू। और अगर किसी को भी कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे, आप मेरे ईमेल आईडीज पे आप संपर्क कर सकते हैं या मुझे कमेंट में भी बता सकते हैं। थैंक यू।